यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया की नजरों में खलनायक बन गए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका यूरोप में पुतिन के खिलाफ रूस प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ पोस्टर्स में पुतिन को 21वीं सदी का हिटलर बताया गया। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित गेविन म्यूजियम ने भी पुतिन की तुलना हिटलर से की है। यहाँ पर पुतिन का एक वैक्स स्टैचू लगा हुआ था जिसे हटा दिया गया है। म्यूजियम के निदेशक ने न्यूज एजेंसी AFP से बातचीत में कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते उन्होंने ये फैसला किया है। गेविन म्यूजियम के डायरेक्टर ने कहा, हमने गेविन म्यूजियम में कभी भी हिटलर जैसे तानाशाहों को नहीं रखा। आज हम पुतिन को नहीं रखना चाहते। पुतिन को घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को भी रूसी पुलिस ने कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। ओवीडी इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार रूस के 50 शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में 7,000 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। मॉस्को में मौजूद विपक्षी नेताओं ने स्कूली बच्चों को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाने और थाने में रखने की तस्वीरें जारी की। इन बच्चों का कसूर यह है कि इन्होंने जंग के खिलाफ पोस्टर बैनर लहराए थे। इन्हें उग्रवादी और देशद्रोही के आरोप में जेल भेजा जा सकता है। रूस में सरकार या जंग विरोधी प्रदर्शन करने पर देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने का प्रावधान है। युद्ध से जुड़ी और जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।